हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए, 1 केजी तुरई मैंने जो छीलकर साफ करके काट के रख दिया था, और ये देखिए चना दाल है, इसको भी मैंने धो के साफ करके सोख करके 2 घंटे रख दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं कुछ हल्के फुल्के मसाला, ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्मी का समय है। तो जीरा है, हींग है, एक हरी मिर्ची है जिसको मैंने बीच से स्लिट कर दिया, तोड़ दिया है, हल्दी पाउडर है, अब ये लहसुन और 2-3 हरी मिर्ची हैं जो लाल हो गई थी उसका मैंने ऐसे कूट लिया है। और इसमें ये देखिए ये 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के, क्योंकि तुरई मीठी होती है तो इस सब्जी को हमने मीठा ही रखना है, तो इसके लिए मैंने 2 प्याज काट लिया है। अब मैं सब्जी बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर चढ़ा दिया है मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूँगी। सब्जियाँ सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं फ्रेंड्स, तो मैं सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ। और देख लेते हैं, देखिए हल्का सा जीरा भुनना शुरू हो गया है, तो हम सूखी ये मिर्ची है, हरी मिर्ची है, ये जीरा है और ये हींग है, ये तीनों को मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये सब्जी जो है गर्मियों की सब्जी है, और गर्मियों पेट के लिए इतनी अच्छी, इतनी ठंडक पहुंचाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये सब्जी जो है, तुरई है, लौकी है, अगर ईश्वर ने गर्मी में हमें दी है तो ज़रूर खानी चाहिए। देखिए जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। और प्याज को भी हल्का भून लेंगे हम लोग, बिल्कुल लाल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़े देर के लिए भून लेते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ फ्रेंड्स, वैसे ही आपको बता रही हूँ सब्जी बनाना। मैं इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी, आप चाहें तो टमाटर, गरम मसाला और भी मसाले जो आपको चाहिए आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। मुझे तुरई का बिल्कुल मीठा स्वाद चाहिए। प्याज, तुरई, ये सब गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, लू नहीं लगने देता है फ्रेंड्स। प्याज जो होता है कच्चा प्याज तो लू बिल्कुल ही नहीं लगने देता है, तो गर्मियों में क्या है, कच्चा प्याज हर खाने के साथ ज़रूर खाना चाहिए। और ये देखिए प्याज को भी हम भून लेते हैं, और ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है मीठी मीठी सब्जी। फ्रेंड्स, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं झटपट से कुकर में बनाती हूँ। और आपको भी बताती हूँ कि अगर ऑफिस जाना हो, बच्चों को टिफ़िन देना हो, या घर में फटाफट से खाना हो, तो आप झटपट से कैसे बना सकते हैं। तो प्याज को थोड़ा और हम गुलाबी कर लेंगे, इसका मिठास रहने देंगे, बहुत लाल नहीं करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब ये जो थोड़े से मसाले हैं, लहसुन, हरी मिर्च और ये हल्दी, बस इसको हम डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा चलाएंगे, बस मसाले थोड़े से हल्के से भुनने चाहिए। और उसके बाद ये जो चना दाल है इसको हम डाल देंगे, देखिए 1 और ये 2 मुट्ठी चना दाल है, आधी कटोरी चना दाल मैंने सोख किया था, ये 2 मुट्ठी के बराबर तैयार हो गया है। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बच्चे भी इसको खा सकते हैं बहुत शौक से, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स। बच्चे, बुजुर्ग सब खा सकते हैं बहुत स्वाद के साथ। और ये देखिए दाल हमारा कितने बढ़िया से
भुन गया, ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब हम इसमें ये जो तुरई है इसको डाल देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सूखी हुई है क्योंकि मैंने इसको पानी से धो के साफ करके तब काटा था। फ्लेम को स्लो कर दिए हैं, अब इसको चला देते हैं। तुरई अपना पानी खुद ही छोड़ेगा फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसमें नमक डालूंगी ना, तुरई अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। अभी देखने में इतना ज़्यादा लग रहा है, ये गल के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। अब अंदाज़ से इसमें नमक डाल देते हैं क्योंकि तुरई गलने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाएगी, तो ज़्यादा नमक कभी ना डालें, थोड़ा सा ही नमक डालें। थोड़ा नमक डालने के बाद अगर आपको कम लगे बाद में तब डालिएगा, अदरवाइज़ तुरई को बहुत ज़्यादा नमक बहुत ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं है। और इसको थोड़ी देर के लिए सिमर पर रख देते हैं क्योंकि जब ये पानी छोड़ देगा उसके बाद हम प्रेशर लगाएंगे। पहले प्रेशर नहीं लगाएंगे क्योंकि पानी बिल्कुल तुरई में नहीं है और नीचे फिर लगने का डर होता है। थोड़ी देर कवर करके सिमर पर रख देंगे और थोड़ी देर के बाद जब तुरई अपना पानी छोड़ देगा उसके बाद हम दो प्रेशर लगाएंगे बस। ये देखिए फ्रेंड्स, तुरई हल्का हल्का नरम होना शुरू हो गया है और थोड़ा थोड़ा पानी भी रिलीज़ कर रहा है। तो इसी तरह हम इसको एक बार ऐसे मिक्स करके इसको दो प्रेशर लगा देंगे। और दो प्रेशर लगाने के बाद फिर कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको भूनेंगे। इसका पानी जो भी बचा होगा उसको हम सुखा देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए प्रेशर बिल्कुल आने लगा, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 विसल लगा लिया है और अब इसको खोल देते हैं। अब ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी मेरी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हल्का सा हम मैश करेंगे, जितनी भी तुरई है इसको थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे और गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और इसमें जितना भी पानी है, ये देखिए पानी जो रिलीज़ किया है, इसको हम सुखाएंगे। इतने पानी के साथ नहीं हम खाएंगे तुरई को, इसको अच्छे से सुखा देंगे और हल्का हल्का इस तरह से मैश करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अगर हम कढ़ाई में बनाते, पैन में बनाते तो बहुत टाइम लगता, इसमें सब्जी हमारी इतनी जल्दी गल गई है। अब बस करना क्या है कि ये जितना पानी है इसको हमको सुखा देना है और हल्की हल्की सी ना नीचे ये ऑयल रिलीज़ कर देगा और हल्की हल्की सी ये पैन में कुकर में ऐसे चिपकने जैसा हो जाएगा, मतलब तब जाकर हमारी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। अगर कोई बीमार आदमी है जिसको उस तरह से नहीं खाना है तो सिर्फ इसको पानी के साथ, इसके ये तरी के साथ भी खा सकता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। या वेट लॉस करना है तो आप बस इसी तरह से निकालिए और खा लीजिए। तो इसको हम थोड़ा पानी को सुखा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए पानी सारा सूखता जा रहा है और हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनते जा रही है। ये देखिए फ्रेंड, जब मसूर का दाल बनाते हैं, मसूर की दाल के साथ जब तुरई बनाते हैं तो उसमें गरम मसाला डालिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम चना दाल बना के साथ बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है गरम मसाला डालना, इसमें हमें
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घी डालना। तो ये देखिए एक चम्मच मैंने इसमें घी मिला दिया और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बहुत ही टेस्टी सब्जी का स्वाद आएगा। थोड़ा और इसको सुखा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी सब्जी की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। और इसको रोटी चावल किसी के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए चना दाल और तुरई कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको थोड़ा और सुखा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि ये सब्जी कितनी बेहतरीन बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। और अब हम गैस को बिल्कुल बंद कर देते हैं और आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी सब्जी क्या बेहतरीन बनी है, ये चना दाल और तुरई की सब्जी। इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप ना एक बार नमक टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, आप एक बार अपना टेस्ट करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। देखिए मैंने तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक वगैरह डाला है तो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल बढ़िया बना है। ये देखिए क्या बिल्कुल लजीज बनी है हमारी सब्जी। और आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, परिवार को खिलाइए और बताइए मुझे कि आपकी सब्जी तुरई की कैसी बनी है, चना दाल और तुरई की लाजवाब सब्जी। थैंक यू फ्रेंड्स।